ते हुए तो आज हम भी मस्त क्रिकेट खेलेंगे। तो आज मेरा करीब 700 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। हस्बैंड और वाइफ है इन लोगों को देखो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों ने मेरे मुहर्रम का सभी वीडियो एंजॉय किया होगा, क्योंकि उसमें हम ज़्यादा कुछ बोले वोले नहीं है, सिर्फ वीडियो ही आप लोगों को मिला होगा। तो फ्रेंड्स आज फिर से हम ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिए हैं, अपनी असली अपना ब्लॉग आएगा। तो फ्रेंड्स अभी हम गांव में हैं, एक दो दिन बाद हम लखनऊ जाएंगे। तो अभी गांव में हम घूम ही रहे हैं, कोई है नहीं, कुछ बच्चे हैं जो कि बैठ के अपना गेम खेल रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, आज दिखाते हैं आप लोगों को कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें, और आज क्रिकेट भी खेलने जाएंगे काफ़ी दिनों बाद, तो वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। और हाँ दोस्तों, आज मेरा करीब 700 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मिल रहा है। तो ऐसे ही आप लोग सपोर्ट बनाए रखें और जल्दी से हमारे 1K सब्सक्राइबर पूरे करा दीजिए। तो काफ़ी बढ़िया सरप्राइज वीडियो लेके आएंगे हम 1K पे। तो जल्दी से आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही प्यार दिखाते रहें। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं अपने क्रिकेट ग्राउंड पे। अच्छा ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सभी बच्चे यहाँ पे पहले से क्रिकेट खेल रहे हैं, और हमको मालूम ही नहीं चला कि क्रिकेट स्टार्ट हो गया है। तो चलिए हम भी खेलते हैं और आप लोगों को कुछ दिखाते हैं क्रिकेट, और काफ़ी दिनों बाद आए हैं तो मज़ा आएगा थोड़ा। तो चलिए खेलते हैं क्रिकेट। ये देखिए हमारे गांव के सभी लड़के आपस में ये गेम खेल रहे हैं क्रिकेट, और काफ़ी दिन हो गए हमको भी क्रिकेट खेलते हुए। तो आज हम भी मस्त क्रिकेट खेलेंगे। हमारे गाँव के छोटे छोटे नौजवान बच्चे हैं, देखिए कितना बेहतरीन तरीके से ये लोग खड़े हैं। इन लोग का पोज देख लीजिए, लग रहा है ये हस्बैंड और वाइफ है। देखिए ऐसे ही ये लोग चिपक के खड़े हुए हैं, अब छूट गए। नहीं 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 छूटो यार, हस्बैंड वाइफ नहीं हो तुम लोग। तो फ्रेंड्स ये भी लोग क्रिकेट खेलने आए हैं, तो चलिए हम भी चलते हैं क्रिकेट खेलने। तो फ्रेंड्स छोटा सा वीडियो है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना।